15 अगस्त आने वाला है तो मैंने सोचा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्यों ना 3 रंगों वाला कोई मीठा हो जाए। तो आज की मेरी रेसिपी है ट्राई कलर रवा पुडिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा। 15 अगस्त स्पेशल एक ट्राई कलर रेसिपी शुरू करते हैं। ये हम सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर ये हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को लगभग 3 से 4 मिनट तक गर्म होने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई भी अब हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे लगभग, आप घी की जगह रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, घी डालेंगे लगभग 150 ग्राम और घी को लगभग 2-3 मिनट तक गर्म होने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे बिल्कुल और इसको ऐसे हम भूनेंगे। हमें इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा 3-4 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। तीन से चार मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे सूजी को भून लिया है। अब इसमें क्या करना है, इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको हम 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और इसमें से हम 2 पार्ट जो है वो बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि हमें इसे ट्राई कलर बनाना है इसीलिए 2 पार्ट इसे हम बाहर कर लेंगे। अब 1 पार्ट इसमें सूजी रह गया है, अब इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कटोरी चीनी और इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में घोल के रखा है, इसको इसमें हम डाल देंगे। पहले थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। पानी इसमें हम थोड़ा और ऐड करेंगे, लगभग 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे हम और गैस का फ्लेम हम फुल कर देंगे। इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून फूड कलर घोला था जिसमें से 1/2 पानी रह गया है, यानी कि इसमें मैंने 4 से 5 पिंच फूड कलर ऐड किया है और इसको लगभग हम 4-5 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। गैस का फ्लेम अब हम थोड़ा कम कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि सूजी सॉफ्ट ना हो जाए। सूजी सॉफ्ट हो गया है, अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब इस तरह की हम टिन लेंगे, आप कोई भी टिन ले सकते हैं या कोई बोल भी ले सकते हैं। इसमें मैंने पहले से ही घी या ऑयल ग्रीस करके रखा है, अब इसमें इसको हम ऐसे डाल देंगे। इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया, अब इसको इस तरीके से हम बिल्कुल प्लेन कर देंगे, इसे हम प्लेन कर देंगे, बिल्कुल प्लेन कर देंगे और इसको लगभग हम 10 मिनट तक सेट होने देंगे। जब तक ये हमारा सेट होगा फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी 2 हिस्सा सूजी बाहर निकाल के रखा है उसे में से 1 हिस्सा हम फिर से इसका पुडिंग बनाएंगे। अब हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और ये जो 2 हिस्सा सूजी है इसमें से 1 हिस्सा सूजी हम इसमें डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 कटोरी चीनी, डालेंगे ये 1 कटोरी पानी। इसमें हम कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। धीरे धीरे ये सॉफ्ट होने लगा है, सॉफ्ट होने में लगभग 4-5 मिनट तो लगेगा ही और इस तरीके से इसको हम चलाते रहेंगे। अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया है, गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। हमें बिल्कुल भी इसे ड्राई नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह का हमें रखना है इस तरीके से। क्या करेंगे, ये जो
मैंने ऑरेंज कलर वाला जो लेयर हमने लगाया था इसके ऊपर हम ये व्हाइट लेयर लगा देंगे। और इस तरीके से इस पे हम ऐसे बराबर तरीके से फैला देंगे, दबाना नहीं है हमें बिल्कुल भी, बस आराम आराम से फैलाना है। हम लेंगे ये घी लगा हुआ स्पून और इस तरीके से इसको हम स्मूथली फैला देंगे। घी लगाने से ये हमारे स्पून में चिपकेगा नहीं और इजीली फैल जाएगा। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम ग्रीन कलर का पुडिंग बनाते हैं। ग्रीन कलर का पुडिंग बनाने के लिए हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और सूजी का जो ये एक हिस्सा बचा हुआ है इसमें इसको हम ऐसे डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम ये आधा कटोरी चीनी और डालेंगे ये एक कटोरी पानी। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये ग्रीन फूड कलर, इसको भी मैंने पानी में घोल लिया है। पहले बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें और इसको ऐसे हम मिक्स करेंगे। इसमें भी मैंने 4 से 5 पिंच फूड कलर यूज किया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक सॉफ्ट होने देंगे। समय थोड़ा ज्यादा या कम भी लग सकता है, बस हमें सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है और इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है। अब थोड़ा सा इसे हम लगभग कुछ सेकेंड के लिए हम इसको ऐसे चलाएंगे और सुखाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये जो हमने नीचे ऑरेंज और ऊपर व्हाइट वाला जो लेयर दिया है पुडिंग का, इसके ऊपर हम ये ग्रीन वाला ऐसे फैला देंगे। और इस तरीके से इस पे हम ऐसे ही जैसे बाकी मैंने दोनों लेयर को फैलाया था इसको भी ऐसे हम फैला देंगे। फिर से ये घी लगा हुआ हम स्पून लेंगे और इक्वली इसे हम ऐसे इसके ऊपर फैला देंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसे हम फ्रीज में रखेंगे कम लगभग 10 से 15 मिनट तक, फिर इसे हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, ये ट्राई कलर पुडिंग हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। बिल्कुल आराम से इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से आराम से निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल गया है। ये देखिए कितना बढ़िया निकला है, ये कितना सुंदर ट्राई कलर निकला है। ये पुडिंग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस पुडिंग को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ, ये चॉकलेट पुडिंग कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए तो ये चॉकलेट पुडिंग बनके रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा और आप इस 15 अगस्त को इस ट्राई कलर रेसिपी को ट्राई जरूर करें और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।